पाकिस्तान की 421 रन की लीड पाकिस्तान के पास अब 3 दिन है बांग्लादेश की 20 विकेटें हासिल करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश ने दूसरे रोज के अख्तितम पर 27 रन बनाए और उनका कोई आउट नहीं हुआ, यानी कि उनके ओपनर्स ने अच्छा सॉलिड बेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब कल का अगर वो न्यू बॉल और पहला सेशन जो है उसको अगर वो विदस्टैंड करते हैं और उसको बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तान को जो 4 रुकनी पेस अटैक है उसको विकेट्स ना देते हुए अगर वो पहला सेशन गुजार के दूसरे सेशन में चले जाते हैं या 1 या 2 आउट उनके हुए होते हैं तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश जो है वो एक अच्छी पोजीशन में होगा एटलीस्ट इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि 448 रन पाकिस्तान ने किए उसके बाद अभी भी 421 रन की लीड पाकिस्तान के पास है। तो जब 441 रन आप करते हैं उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट मैच आप नहीं हारेंगे, स्पेशली जब पहले दिन 42 ओवर्स का खेल ना हो सका ड्यू टू रेन एंड वेट आउटफील्ड। इसके बाद तो यही लगता है कि या तो ये मैच पाकिस्तान जीतेगा या ये मैच ड्रॉ होगा, अनलेस बांग्लादेश जो है वो अपनी स्कोरिंग रेट पे काम करता है जो कि मुश्किल लग रहा है। खैर बहुत अच्छी बारी ली मोहम्मद रिजवान ने 171 नॉट आउट डिक्लेरेशन से पहले, लग रहा था शायद वो 200 करेंगे। साउथ शकील 141 रन बनाकर आउट हुए, कमाल दोनों ने अपना तीसरा जो है वो 100 किया। साउथ शकील ने तो 20 इनिंग्स में 650 और 300 कर रखे हैं और सबसे ज्यादा रन किसी भी पाकिस्तान बैटर के लिए आफ्टर 20 टेस्ट इनिंग्स साउथ शकील ने तो कमाल ही कर दिया। होम टेस्ट में तो उनका रिकॉर्ड लाजवाब है, कोई इनके पास भी नहीं आता। मैं कहूंगा यशस्वी जायसवाल इंडिया के और पाकिस्तान के साउथ शकील इनके करियर का आगाज बहुत प्रॉमिसिंग है और हो सकता है ये दोनों आकर काफी आगे सालों तक WTC में, मेरा जो ख्याल है मेरी ये प्रेडिक्शन भी है, ये लोग रूल करते रहेंगे। इनके पास अभी 7-8 साल ऐसे हैं कि ये इजिली रूल कर सकते हैं और इससे ज्यादा भी रूल कर सकते हैं। साउथ का तो डेब्यू लेट हुआ, हो सकता था कि डेब्यू पहले हो जाता तो इससे भी ज्यादा उनके नंबर्स अच्छे होते अब तक अगर वो 40-50 इनिंग्स खेल गए होते। खैर मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने भी कमाल कर दिया, तीनों फॉर्मेट्स में 40 से ऊपर एवरेज, तीनों फॉर्मेट्स में 100 किया हुआ, तीनों फॉर्मेट्स में 1500 से ज्यादा रन है और तीनों फॉर्मेट्स के प्रोलिफिक खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान। एंड पे इंजर्ड हो गए, सरफराज अहमद आ गए थे कीपिंग करने, लेकिन क्या लाजवाब बारी ली मोहम्मद रिजवान ने। ट्रिकी सिचुएशन थी जब वो आए थे, लेकिन इस वक्त जब वो गए और पाकिस्तान को एक अच्छा टोटल उन्होंने जो है वो लगाकर दे दिया बोर्ड पे 448 रन का। शाहीन अफरीदी ने 29 रन ऐड किए सिर्फ 24 गेंदों में। जब भी शाहीन खेलता है चाहे बल्ले से चाहे वो बॉलिंग से, कोशिश करता है टीम के लिए खेले, प्रॉपर टीम मैन है, टीम के लिए रन करके देता है, टीम के लिए आउट करके देता है। लेकिन अब शाहीन की बॉलिंग में जरूरत कल पड़ेगी, साथ ही खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली की भी और नसीम शाह जो कि 4 पाकिस्तान के पेसर्स हैं, अगर ये आउट करेंगे तो फिर ही पाकिस्तान का चांस है कि अगर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीतना है फिर अगला टेस्ट मैच जीत के सीरीज जीतनी है 2-0 से, अपना होम टेस्ट सीजन जो अच्छे से शुरू करना है, फिर आगे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को भी होम सीरीज में हराना है, फिर ही पाकिस्तान के पास मौका है कि WTC का फाइनल पाकिस्तान खेल सकता है जो कि पाकिस्तान ने अब तक नहीं खेला, क्योंकि पिछले 2 WTC साइकिल्स में पाकिस्तान 6 और 7 नंबर पर आए। अगर इंडिया से खेलना है, अगर उस लेवल की उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आपने टच करना है जो कि इंडिया खेल रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में, तो यकीनी तौर पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, मैचेस जीतने होंगे, कंसिस्टेंटली ओपनर्स जो आपके रन्स नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं अभी भी आपने देखा अब्दुल्ला ने रन्स नहीं किए, पहले इमाम ड्रॉप हो चुके थे, साइम जो उनका तीसरा इनिंग्स है, ओपनर्स को कंसिस्टेंटली रन्स करने होंगे और साथ साथ आपके बॉलर्स को ऑपोजिशन के 20 आउट करने होंगे। हर मैच में जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मैचेस जीतना, टीम डिक्लेयर करके मैचेस नहीं हारती हैं, तो ये आपको सोचना होगा कि जो भी बॉलिंग अटैक आप डालते हैं आगे, जो भी रन आप बोर्ड पे लगाते हैं, आपके बॉलर्स को 20 आउट करने हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है, चैलेंज है, देखते हैं ये टेस्ट मैच कहां जाता है। फिलहाल तो पोजीशन पाकिस्तान की काफी स्ट्रांग है, ये ड्रॉ की तरफ जा सकता है या पाकिस्तान की जीत की तरफ जा सकता है अनलेस बांग्लादेश बहुत अच्छा खेल जाए। लेकिन बांग्लादेश वेल डन, 27 विदाउट अ लॉस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे। अभी भी उनके पास बैटर्स मौजूद हैं, शाहपान इस्लाम है, जाकिर हसन है, नजमुल हसैन शांतो ने आना, मुश्किल रहीम है, शाकिब अल हसन है और लितिन दास है, मेहदी हसन मिराज है, ये सारे बैटर्स अच्छे हैं, ये सारे बैटर्स स्टे करते हैं क्रीज पर तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो रावलपिंडी की पिच है और वेदर है वो लग रहा है कि मजीद बेहतर होता जा रहा है बैटर्स के लिए, खराब नहीं हो रहा।